हेलो ब्यूटीफुल पीपल कैसे हैं आप सब सो so, आज आ, का रिव्यू है काजल के ऊपर सो so, जो काजल लवर्स हैं उनके लिए ये वीडियो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है बिकॉज बहुत सारा स्ट्रगल होता है काजल खरीदने के लिए और uh, मैं काजल लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं काजल ओकेजनली लगाती हूँ अगर हैवी uh, मेकअप किया है तो काजल लगा लिया या फिर मूड के ऊपर है कभी मन किया तो काजल लगा लिया सो so, कुछ ऐसा एक ऐसा काजल uh, मैंने परचेज़ किया है इससे पहले भी मैंने काजल यूज़ किया है बट ये जो काजल मैंने परचेज़ किया है इस काजल का रिव्यू देना बनता था बिकॉज़ ये ऐसा काजल है ना जो सचमुच वाटर है लॉन्ग लास्टिंग है और स्मच uh, प्रूफ है सो so, ये जो वीडियो है इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना मैं इसको सारा डिटेल्स इस काजल का इस पर मैंशन करूँगी और मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊँगी एक वाटर प्रूफ है या नहीं है सो so, लेट्स so, so, के स्टार्टेड विद द वीडियो जिस काजल की मैं बात कर रही थी वो है मामा अर्थ का काजल जो आता है फोर नाइन्टी नाइन रुपीज़ का मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे बनाए हैं जिसपे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है सो so, मुझे पर्सनली मम्म के प्रोडक्ट्स पसंद आए उनमें से आई गेस ये उनका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट था बिकॉज द रीज़न बिहाइंड कि इसका इमीडिएट इफ़ेक्ट आपको मिलता है जैसे कि आप या फेस पैक लगाओ उसमें टाइम लगता है कोई भी चीज़ का बट ये काजल एक ऐसा है कि जिसको मैं इंस्टेंटली आपको बता सकती हूँ कि इसका uh, क्या रिव्यू है और ये कैसा मतलब काम करता है सो so, ये आती है वन ग्राम की फ़ोर नाइन्टी की ये डिस्काउंटेड प्राइस भी मिलती है सो so, इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो या आप नियरेस्ट काउंटर पे भी चेक कर सकते हो नाउ चलो अब बात करते हैं कि ये कैसा दिखता है ओके okay, सो so, जैसे कि मैंने कहा मैंने इसको यूज किया है सो so, अब इसको इसके साथ एक आता है शॉपनर मामार्थ का सो so, इसको जिस तरह से मैंने यूज किया है अब इसको शॉपिंग करने की जरूरत है तो so, कर लेते हैं थोड़ा ओके okay. ये हो गया बिल्कुल भी नहीं टूटा ओके सो चलो अब लगा के देखते हैं कि इस कैसा है ये ओके okay. सो so, ये चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे कोयल है ये पूरा डार्क ब्लैक कलर का है सचमुच चारकोल का चारकोल जैसा दिख रहा है बिल्कुल ही ब्लैक कलर का है सब इसको लगा के देखते हैं मेरी आईज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटरी होती है Okay. लग गया ये सो so, मैंने मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया ना ही मैंने आईब्रोज बनाए सिर्फ मैंने एक लिपस्टिक लगाई है जस्ट टू फोकस ऑन काजल बिकॉज आज काजल का रिव्यू है सो so मैंने पूरा फोकस काजल पे ही दिया है कि फेस पे सबसे ज़्यादा वही नज़र आए सो so, लगा लिया है मैंने ये काजल चलो अब देखते हैं अब इसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है सो लेट्स टेस्ट इट सो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा टाइम दो कि सेटल हो जाए ओके okay, सो so मैंने काजल लगा के वन से टू मिनट उसको छोड़ दिया सो so दैट वो अपने आप ऑटोमेटिक आइस पे सेटल हो जाए सो so, सेटल होने के बाद चलो अब इसका टेस्ट करते हैं कि कितना स्वच्छ प्रूफ है वाटर प्रूफ है और कितना लॉन्ग लास्टिंग है सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो पहले स्टार्ट करते हैं कितना वाटर प्रूफ है उसको ले कर सो so, मैंने ऑलरेडी एक बोल में पानी ले रखा हुआ है सो जस्ट टू चेक कि कितना ज़्यादा वाटर प्रूफ है सो लेट्स डू टेस्ट नाउ अब इससे मैं बनाऊंगी थोड़ी सी ड्राइंग जो बचपन में बनाते थे ना तो चलो थोड़ी सी ड्राइंग जाए अब इसको थोड़ा सा टाइम देंगे सेटल होने के लिए सब ये चेक करते हैं तो इस पे डालते हैं पानी सो so, ये रहा आपके सामने थोड़ा सा भी नहीं बहा सो so, yes ये वाटर असिस्टेंट है नाउ अब ये चेक करते हैं ये कितना स्मज प्रूफ है सो so, आपके बदन का मैल निकल जाएगा लेकिन ये काजल बिल्कुल नहीं निकलेगा आप देखो इतना ज़्यादा खिसू फिर भी नहीं निकल रहा है अब इसके ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये तो मैं आपको कम से कम आ, कुछ घंटों बाद ही बता पाऊंगी सो so, दो टेस्ट तो मैं आपको एकदम अभी दिखा पाई ये वाटर प्रूफ है और ये स्मच प्रूफ है जो है लॉन्ग लास्टिंग सो ये इसको मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है ये बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है आप ये सुबह में लगाओ ये रात तक भी बिल्कुल नहीं हिलेगा अनटिल अनलेस जब तक आप इसको रिमूवर से रिमूव ना करो जैसे मेकअप रिमूवर हो या फिर किसी ऑयल से आप इसको रिमूव ना करो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा सो जो काजल लवर है जिनको बहुत पसंद है काजल लगाना बार बार ही अप्लाई करना पड़ता है तो उनके लिए ये बेस्ट चॉइस है फोर नाइन्टी नाइन रुपीज़ का ये काजल है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय